अस्सलाम वालेकुम, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज हम जो है वो टैक्सिला म्यूज़ियम जा रहे हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या है। बहुत एंशंट वहाँ पे चीज़ें हैं, सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। अस्सलामुअलैकुम। सो हम आगे हैं टैक्सिला म्यूज़ियम और सामने ये इस साइड पे जो है वो TDCP का मोटेल है जहाँ पे हम चाय देखेंगे और क्लब सैंडविच अगर हुआ। वो सामने टैक्सिला म्यूज़ियम है सड़क क्रॉस करके, और तकरीबन 45 मिनट है हमारे पास, तो मोस्ट प्रॉब्ली हम 45 मिनट में जो है वो टैक्सिला म्यूज़ियम देख लेंगे। ये PDDCP है मोटेल, तो म्यूज़ियम चलते हैं। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब टिकट। टिकट तो है ही नहीं कोई। आर्कियोलॉजी। तो ये हमने दो टिकट्स ले ली हैं और अभी हम उधर जा रहे हैं अंदर की तरफ। फाइनली कितने सालों के बाद मैं पहली दफ़ा वैसे आ रहा और ये थर्ड सिटी जो इनका मिला है सिरसों को उसका नाम लिखा हुआ है। ये कुशान लोग थे जो सेंट्रल एशिया से यहाँ पे आए थे। इनके दौर में ये सारी हिस्ट्री प्रिजर्व हुई, स्टैचू बनना शुरू हुआ है। सही। यहाँ पे आप देखें मोरो मरदू लिखा हुआ है, इस जगह पे ये लोग वर्शिप किया करते थे। इसके बाद ये लास्ट साइड है जूलियस का नाम लिखा हुआ है। ये टैक्सिला की कदीम यूनिवर्सिटी थी। सही। इसमें बुद्धिज़्म के अलावा मैथमेटिक्स, साइंस, फार्मेस्ट, इकोनॉमी ये सब्जेक्ट पढ़ाए जाते रहे।
बैक पे हमारे पास जो मेन स्टूप है वो है धर्मारा जी का, इसका नाम लिखा हुआ है। ये अशोका ने बनवाया था, इसमें बुद्धा की एशेज पड़ी है। अच्छा। और बुद्धिज्म अशोका के दौर में यहाँ पे शुरू हुआ था। 262 BC में अशोका ने बुद्धिज्म अडॉप्ट किया था, इससे पहले ये हिंदू थे। ये मागला हिल्स है, बैक पे इस्लामाबाद का एरिया आता है, ये बीच वाला पंजाब का एरिया, और इस साइड पर ये खेपी के एरिया खैबर पख्तूनख्वा। सही। ये बीच में इसके जो है ना ये रिवर दिखाया गया है, इसका नाम था हारो रिवर, इसके ऊपर आगे खानपुर डैम इस पे बना हुआ है। अच्छा। सामने सरदा हिल्स है और सरदा के बैक पे जो है हरिपुर अहमदाबाद का एरिया है। सही। इन जगहों से जो चीज़ें मिली हैं, ये आगे हमारे पास जो स्कल्पचर्स वगैरह लगे हुए ना, ये पूरी स्टोरी है बुद्धा की पैदाइश से लेकर डेथ तक के सारे सीन लगे हैं। ये सारे 2000 ईयर ओल्ड चीज़ें जो बाकी यहाँ से एक्स्ट्रा से बुद्धा के काम मिली है। ये बुद्धा की माँ की तस्वीर लगी है, ड्रीम देखती है, ड्रीम इनको व्हाइट एलिफेंट। अच्छा। ऊपर टापू देखिए छोटा सा एलिफेंट, उसके मिलता है कि व्हाइट एलिफेंट इनके यहाँ खुशी के अलावा सब मिला है। ये आपको मैं पामिस पर मिला है, ये लोग उनका हाथ देख रहे हैं, पापी तालीम बता रहे हैं आपके यहाँ बेटा पैदा हुआ है। उसके बाद बुद्धा की पैदाइश की तस्वीर लगी है, बुद्धा की पैदाइश नेपाल में हुई थी 563 BC में। ये आगे इनकी शादी दिखा रहे हैं, बुद्धा के ऊपर बैठे हुए म्यूजिकल लोग दिख रहे हैं इनके साथ, ये लोग उनकी बारात देख रहे हैं। उस दौर में कैमरा वगैरह भी होता था, हर एक जो भी इमेज होते थे उनकी ऐसी तस्वीरें बनाते थे। शादी का भी लोग अपने हाल में है, ये पहले सीन लगे सिद्धार्थ के साथ जो बुद्धी है यूशुद्र उसकी बुद्धि का नाम था दिखाया गया है, और फिर उसके बाद उन्होंने अपना करके दुनिया किया प्रोनाउंसिएशन से, और इसमें दिखा रहे पहले से मौजूद है उस सोई में, और सिद्धार्थ वहाँ से निकले स्तबल गए अपना घड़ा लिया और बाद में इंडिया आ गए। इंडिया आने के बाद उन्होंने वर्षिप शुरू की। ये नीचे इनका फर्स्ट सरमन दिखाया गया, उसको धर्मा चक्र कहते हैं, धर्म वर्षिप को कहते हैं, और चक्र रेखा ये इनका साइन था जो इंडियन फ्लैग बना ना इनका निशान, जिसको व्हील ऑफ लव भी कहते हैं, व्हील ऑफ लाइफ भी कहते हैं, इसी को अशोक चक्र भी कहा जाता है। ये जो सच लगे ना यहाँ पे इसके बुद्धा को ऐसे प्रिंस दिखा रहे हैं ज्वेलरी पहने हुए, बेसिकली रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, जैसे बुद्धा नहीं माना जाता किसी को ऑर्नामेंट का। ये आगे मैनुअल ट्री दिखा रहे हैं, इसके नीचे बुद्धा बैठ के वर्शिप कर रहे हैं, इस गद के नीचे इनको इनलाइटनमेंट हुई थी, इंडिया के अंदर जगह थे बुद्ध गया उसका नाम, और इन्लाइटनमेंट के बाद यहाँ पे एंजल्स को दिखा रहे हैं बुद्धा के ऊपर फूल फेंक रहे हैं, ये केवल इसका बुद्धा वर्शिप कर रहे हैं, और लास्ट एनिमल दिखाई गया बुद्धा को लुका रहे हैं। यहाँ पे जो सीन लगे इसको आप सीन कहते हैं, इसमें ये चार आदमी इनके पास डोनेशन कर रहे हैं जो बुद्धा को पेश कर रहे हैं। इस साइड पर ये मंकी को दिखा रहे हैं बुद्धा को हनी पेश कर रहे हैं, नीचे बुद्धा के साथ लेडीज हैं इनके पास गिफ्ट पकड़े हुए हैं जो बुद्धा को पेश कर रही हैं। ये जो आदमी साथ बैठे ना ये शक्ल से देखें तो ये ग्रीक लग रहा है, इसके बाल दाढ़ी मूछें ग्रीक लग रहे हैं। ये पर तबलीग करते हैं बुद्धा को दिखा रहे हैं, पीछे की ओर सामने फॉलोअर बैठे हुए हैं, ये लेफ्ट में देखें तो ये ग्रीक पिलर्स भी बने हुए हैं पूरा ग्राम के तौर पर। ये उनके बुद्धा बनने के बाद की तस्वीर आ गई, जब बुद्धा बन गया तो उसके बाद ज्वेलरी वगैरह छोड़ दी, विदाउट ज्वेलरी इसको ले जाए। ये इनकी डेथ की तस्वीर है, बुद्धा की डेथ इंडिया के अंदर हुई थी 483 BC में, और उसके बाद दिखा रहे हैं क्रीमेशन ऑफ बुद्धा, इनके बॉडी से ला रहे हैं, और रिलिक्स होते हैं एशेज को अशोका लेके आए थे, और टेक्सला में ये मेन प्लेस है धर्मराजी का स्टूपा, जिसके अंदर जो एशेज दफन हुई वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टूपा बनाया गया इन लोगों के लिए, तो उस स्टूपा को डेकोरेट करने के लिए सारे स्टैचू उसके साथ लगाए गए, इनकी ये लोग वर्शिप करते रहे, और 5th century के बाद यहाँ पे मारिशांस आए थे बेंगोलियन लोग, उन लोगों ने इस पूरी सिविलाइजेशन को तबाह कर दिया, और फिर ये लोग यहाँ से निकल के चाइना को बचे। इस फोटो वाले आगे चूना पत्थर भट्टी मिक्स करके ये सारे उससे बनाए गए स्टैचू, इसी कंडीशन में मिले इनको ला के यहाँ पे पेश किए गए, मतलब ये ओरिजिनल जो एक्सट्रैक्ट हुए हुए हैं ये वही हैं, ये ओरिजिनल एक्सकवेशन में मिले। सही। जिस तरह ये डिस्कवर्ड हुए हैं उसी सेम कंडीशन में ला के यहाँ पे पेश किया गया, और देख सकते हैं सब के कुछ इनके जो हेड्स वगैरह वो मिस हैं, तो वो नहीं मिले, वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिए। सही। ये मेडिटेशन करते बुद्धा का स्टैचू आ गया, ये उनको टापे एंजल्स को दिखाए गए, ये ग्रेट लेसन है बुद्धा की पिक्चर लगी हुई है, और योगा पॉज उसका दिख रहे हैं। सही। इसका मतलब है योगा जो है वो बुद्धिज्म से जो है वो इससे भी पहले हिंदुइज्म से चला, हिंदुइज्म से ठीक है, इसको प्राइवेट मेडिटेशन और प्रैक्टिस कहा जाता है। ये जो स्तूपा आप देखेंगे स्तूपा इनकी वर्शिप प्लेस होती है, ग्रेव इसको कहते हैं ना, इसके अंदर आइसिस वगैरह रखे जाते हैं बुद्धिस्ट मंक्स के। अच्छा। तो बनाने का जो स्टाइल होता था कि नीचे 7 लेयर्स बना के ऊपर इसके 7 हेवन बनाया करते थे, और इसका जो अपर वाला हिस्सा जो था ऊपर वाला वो मंगोलियन लोगों ने इसको तबाह कर दिया, और जो सूबे का बेस होता था इसके साइड पे स्टैचू लगा के इसको डेकोरेट किया जाता था, ये इनकी वर्शिप प्लेस होती है बुद्धिस्ट लोगों की। ये हेड वगैरह जो मंगोलियों ने तबाह किए ये सारे हमारे पास स्कल्पचर केसेस में पड़े हुए हैं। इस वाले में बुद्धा के जो बाल दिखाए गए ना ये सेम जिस तरह लोटस फ्लावर होता है उस स्टाइल में इनको दिखाया गया, इस तरह के बाल उन्होंने चाइना वाली साइड पर दिखते हैं, वो लोग ऐसे डिजाइन करते हैं। इंडियन आर्ट में आ जाए तो बुद्धा के ये स्टैचूज आप देखेंगे जो ये सारे पेंटेड पड़े हुए हैं, इनके ऊपर अभी भी आप गौर से देखें करीब जाकर तो आपको कलर नजर आएंगे।
वो रेड रेड नजर आ रहा है ना उसकी लिप्स पे। तो ये जो ये डिफरेंट जो साइजेस हैं ये सब स्टूपा पे स्टूपा के ऊपर डिपेंड करता था। जिस साइज का स्टूपा होता था उस साइज के स्टैचू से उसको डेकोरेट किया जाता था। सही। फॉर एग्जांपल ये जो स्टूपा है ना ये छोटा स्टूपा है, इसके साइड पे आप देखें तो नॉर्मली इन्होंने छोटे छोटे बुद्धा के फिगर्स हैं एंड ये हेड समझ लें आप। इस तरह के ये स्टूपा छोटे स्टूपा के साथ जो इस तरह के बड़े स्टूपा होते थे उनके साथ ऐसे बड़े स्टैचू लगाए थे। ये ओरिजिनल फॉर्म में है जो से मिला है। सही। ये जो बड़ा हुआ इसको वॉटर स्टूपा कहते हैं। वॉटर स्टूपा के अंदर ये लोग डोनेशन रखा करते थे, गोल्ड कॉइन्स ज्वेलरी वगैरह डोनेट करते थे अपनी इबादत गाहों को बुद्धिस्ट लोग। सही। ये जो ब्रेस पड़ा है ये अभी रिसेंटली एक्सक्यूवेट हुए जिना वाली डेली एक प्राइस की साइज है। अच्छा। अभी भी एक्सक्यूवेशन वर्क चल रहा है वहाँ से जो मिले हुए ब्रेस कुछ यहाँ पे डिस्प्ले है। व्हील ऑफ ला सिल्वर कॉइन्स पड़े हुए हैं, ज्वेलरी है, बेल्ट है, पॉटरीज है, प्रेशियस स्टोन उनके पड़े हुए हैं। और इस साइड ये जो स्टूपा देखेंगे ये जो मौर्यन किंग अशोका था वो उनके इस्तेमाल में रहा। ये साथ लाइन पड़ा हुआ है, लाइन जो था अशोका का साइन हुआ करता था। अभी भी इंडियन कॉइन्स पे देखें तो थ्री लाइन उसमें मौजूद है। इस स्टूपे का बेस नहीं मिला, जस्ट आप इसके अपर पार्ट देख सकते हैं। ये क्या फवारा टाइप चीज़ है कोई? ये वो सेवन हेमन बनाते थे। अच्छा। नीचे सेवन लेयर ऊपर सेवन हेमन। सही सही सही। ये स्माइलिंग फेस बुद्धा का लगा हुआ है जो माथे में सुराख देख रहे हैं आप। ये थर्ड आईज दिखाएगी इसको, आईज ऑफ वुडन था। और इनके अंदर ये लोग फिशी स्टॉक रखा करते थे, डायमंड्स वगैरह, रूबीज वगैरह। यही चीज़ें जब मंगोलियन लोगों ने देखे फैट तोड़ के निकाल दिए। ये ग्रीक आर्ट आ गया है। ग्रीक आर्ट में आप इनके बाल देखें तो टोटली कर्ली हेयर एंड शार्प नोज दिखाएगी। और स्पेशली ये फेस देखें तो इसमें बुद्धा को अलेक्जेंडर वाले स्टाइल। हाँ अलेक्जेंडर। हाँ बिल्कुल ऐसे मतलब अलेक्जेंडर को इस वाले साइड में ये बुद्धा का जो बाल दिखाया गया ना अलेक्जेंडर का हेयर स्टाइल ओरिजिनल ये था उनका। ये सब इंडियन आर्ट आ गया, टोटली लोकल आर्ट इंडियन। ये क्या चीज़ है? ये भी वही रेलिक स्टूपा इसको कहते हैं, रेलिक कैस्केट। बेसिकली इस तरह के बॉक्स का रहता है, इसके अंदर डोनेशन रखे करते हैं। अच्छा। और साइड से देखें तो अभी भी यहाँ पे स्टॉक लगे हुए जो सेमी पेशेंट होते थे एरिया से, नादर एरिया से और सवार से जाते थे। ये इनका पीछे के अंदर में सात कॉलम्स दिखाई दिया बता के ये क्ले से बनाया गया बुद्धा। ये जो आदमी खड़ा है ये मैगोलियन दिखाया गया एज ए डॉलर डोनेशन लाया बुद्धा को पेश किया। ये टॉप पे आप ग्रीक एंजल्स भी देख सकते हैं जिनको ग्रीक मानते थे। ये जो स्टैचू देखेंगे इसमें बुद्धा को इसमें हल्के से चाइनीज इन्फ्लुएंस भी नजर आ रहे हैं आप। इसमें आप देखें तो लॉन्ग हेयर दिखाई गया। और ये गोल्ड पेंटेड तभी भी इस पर गोल्ड के इशारा हो गया। ये सबसे बड़ा स्टैचू बुद्धा का ये मिला इसमें उनको मेडिटेशन करते हुए दिखा रहा है। ये भी इंडियन आर्ट, ये भी ओरिजिनल फॉर्म में। और ये बड़े बड़े लेकिन ये एक्सकेवेशन जो हुई है वो उसमें बेसिकली इनको पार्ट मतलब मिला होगा ना पूरा पार्ट में फिर इनको लाया गया। बाबू हाथ नहीं लगाना उधर। ये जो स्टॉल है ये इसने दिया ना। आप यहाँ छोटे छोटे बर्ड और एनिमल देख सकते हैं। ये छोटा सा क्राउ है थर्ड लाइन में, एलिफेंट, लाइन, फ्रॉग, फिश, टर्टल्स, ये क्रिश्चियन क्रॉस भी पड़ा हुआ है। मतलब उस तार के जो लोग थे जो मंक्स थे स्पेशली इस तरह के वो बीड्स वगैरह ज्वेलरी यूज किया करते थे। इनको वो स्टूपा के अंदर दफन किया करते थे। जब स्टूपा के अंदर सर्च किए गए तो अंदर से ये निकाले गए आते हैं। उनमें गोल्ड की चीज़ें भी पड़ी जिन्होंने आज डोनेशन इसके अंदर। ये
सारे म्यूजिकल लोग दिखाए गए, ड्रमर है, ड्रम की सेलिब्रेशन पहनी हुई है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हुए उनको दिखाया गया है, डांस कर रहे हैं। पनिशमेंट सीन में आप देख सकते हैं, एक आदमी कोट का लटका है, वो इसको ये पनिशमेंट दे रहे हैं, उस तरह ये पनिशमेंट किया गया। ये सर ग्रीक आर्टिस्ट आ गया, ये सूफा के फ्रेगमेंट्स हैं, दो जेम्स बनाए थे पायलट है, ये सर जो बेस आप देखेंगे इसमें ड्रैगन बना हुआ है, प्रिंस ड्रैगन, ये चाइनीज इन्फ्लुएंस आ गया। बेसिकली टेक्सटाइल सिल्क रोड की बॉर्डर, ये पुरुषन पिलर है, नेलोथियन पिलर और साथ कुछ बर्ड की तस्वीरें लगी हैं, सॉफ्ट पिलर है। ये जो आर्ट है इसको हम इंडियन आर्ट कहते हैं, मथुरा आर्ट। मथुरा बेसिकली इंडिया में जगह जहाँ पर ये वाला पत्थर पाया जाता है, इससे फोटोग्राफ्स वगैरह ये हेड्स बनाए गए, ये पर योगा शहर में गुजरात में दिखा रहे हैं, बीच में मेटल से बनाए गए फेस को रख रहे हैं। इस गैलरी में इनकी घरेलू चीज़ें पड़ी हैं, ये सब ने पत्थर पे देखा था, इसमें जो है ना ये हेब्रू जबान लिखी हुई है, अरामाइक, ज्यूइश लैंग्वेज, सीरिया लैंग्वेज, जो इससे ये इंडियन लैंग्वेज है, संस्कृत नंबर में इंस्क्रिप्शन जो कुछ बार के ऊपर लिखी हुई है, ऊपर इंपॉर्ट बना हुआ है, ये मटी गई है ना? ये सर ये मटी है, ये ऊपर मेटल है। अच्छा, लेकिन ये एक्सकवेशन के दरमियान मिले हैं उनको? सही, एक्सकवेशन में मिले हैं। ये आप इस्तेमाल की चीज़ें हैं, रोजमर्रा इस्तेमाल की चीज़ें। ये जो है ये कॉल्ड ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, इसमें कुछ मोल्ड भी मिले हैं जिनसे वो स्टैचू बनाया करते थे, यहाँ इनकी बहुत सारी नेगेटिव पॉजिटिव आते हैं। ये जो हमने ये उधर जो भी देखा है ये वही चीज़ है, ये बेसिकली तो ऑयल लैंप है, लेकिन इस तरह इनको डिज़ाइन किया गया, मतलब साथ हैं। और ये टर्टल शेप में भी मिले हैं, लीफ शेप में भी हैं, कैंडल स्टैंड है, वाटर रिचुअल टैंक्स ये पड़े हैं बच्चों के लिए। ये मेटल जो था ये ग्रीक दौर में शुरू है, ऊपर जग देखे ना हैंडल पे सी हॉर्स बना है, इसमें ग्रीक आइटम है, ये वो एविडेंस है जिसकी चीज़ें कन्फर्म हुई है, तो लोगों ने यूज़ किए उस समय, देखे बच्चों के कार्ड आ गए, प्रैम हुआ उस वक्त, ऐसी प्रैम हुआ आपके ज़माने की प्रैम जो है वो, तो सारे स्टोरेज थे इनके, ग्रीक वगैरह के लिए वाटर, मतलब ये सारे उनके जो है वो घर के आइटम्स हैं, उनके घर के आइटम, गॉबलेट्स वगैरह, बाउल्स वगैरह, हॉट पॉट प्लेट्स, फ्राई पैन, चमचे, हुए तमाम चीज़ें ग्रीन लोगों ने, बाबू देखो स्पून्स, स्पून स्पून, ये ग्रीक स्टोन है, ये फोल्डिंग चेयर पड़ी है, ये बेलिंग स्टोन वगैरह ना आपको के लिए तमाश करने के लिए सही, ये आइवरी वाले ऑब्जेक्ट्स है, जॉब एलिफेंट के पीसेज है, लास्ट में सीशेल, सीशेल हाँ, ये गेम्स वाले चाइनीज गेम आ जाओ, ये आइवरी बैंगल्स हैं और हेयर पेंस वगैरह ये पड़े, इनकी वर्थ कितनी होगी, कीमत इनकी किसकी, इन चीज़ों की जाहिर बात है तो प्राइसलेस होंगी ना, प्राइसलेस, ये तो बहुत एंटीक चीज़ें, इनकी बहुत वैल्यूएबल चीज़ें हैं। ये टॉयज वगैरह पड़े हुए बच्चों के, ये खिलौने, ये विसल देखे, विसल चुचू देखो, तो ये ट्रोजन हॉर्सेस देखे, एलिफेंट है वो देखे आप, शेर, ये इनके कॉस्मेटिक का सामान पड़ा, ये जो ऊपर पड़े ना ये मिरर फेस से वो चेहरा देखा करते थे अपना, अच्छा, शाइनी होते थे, शाइनिंग से, ये सर ये सामने जो निशान है ना ये एलियंस का इंडो का बना है, स्वास्तिक, इसको अगर रिवर्स बनाया जाए तो फिर ये जर्मन्स का नाम से, हाँ ना, मास्कारा बॉक्सेज हैं, पम्प्स पड़े हुए हैं, हेयर पेंस हैं, नीडल्स पड़े हुए हैं, मास्कारा के लिए यूज़ किया करते थे। अब यहाँ से जो आगे ऑब्जेक्ट्स हैं वो पर्शियन लोगों के शुरू हो जाते हैं, जो सबसे एंशियंट सिविलाइजेशन पर्शियन थी, ये ऑब्जेक्ट होंगे 5th century BC, 2nd century बिफोर क्राइस्ट तक पर्शियन लोगों ने यूज़ किया, इसको क्ले पॉटरीज, पेंटेड पॉटरीज एंड स्टैम्प पॉटरीज कहते हैं, ये स्टैम्प नहीं है, प्लास्टर जो इनको बनाते वक्त इस्तेमाल किया। ये क्या है? ये सर उनके कैंडल वगैरह पड़े, चक्की वगैरह, इससे बटा वगैरह, हीट वगैरह के लिए, स्पाइसेस के लिए यूज़ करते थे, ये इसके लिए ये कंडेंसर पड़ा हुआ, वाटर कंडेंसर, अच्छा, जिससे पानी की प्योरिफिकेशन के अलावा मेडिसिन के लिए, हर्बल के लिए, अल्कोहल के लिए, परफ्यूम वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। इस लाइन में यूज़ कर रहे हैं, ये सबसे पहले ब्लैक स्मिथ के ऑब्जेक्ट पड़े हैं, उनके हैमर्स पड़े हैं, सीजर हैं, पाइप हैं, ये गोल्ड स्मिथ शॉप से मिले हुए ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं,
ये टेस्टोन इसे गोल्ड चेक किया जाता है, साथ उनके मोल्ड है जिनसे ज्वेलरी बनाई जाती है। ये नीचे मोल्ड पड़ा है, इनमें ये कॉइन्स बनाया करते हैं। अच्छा, इनका फार्मिंग का सामान, ये वेपन्स वगैरह पड़े हैं, शील्ड्स के पीसेज हैं, एरो हेड नाइफ हेड स्वॉर्ड्स वगैरह ये पड़े हैं, डबल एज स्वॉर्ड्स। ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हैं ऑपरेशन वगैरह के लिए, इनको यूज़ किया करते थे हॉर्स मेडल, ये स्ट्रॉन्ग वेट पड़े हैं नई रिक्रूटमेंट के लिए, ये विंग्स के लगे ट्राजू वगैरह प्लान लाइन बाबू उतर जाओ। ये सारे कीमती पत्थर आ गए जिससे वो जुड़े बनाए। ये कीज पड़ी है, लॉक का पीस पड़ा हुआ है, डोर हैंडल हुक वगैरह बेल वगैरह आपके पड़े हैं। ये सो की गंदम पड़ी हुई है, वीट 2000 ईयर ओल्ड। ये ब्लैक में ब्लैक वीट कलर चाहिए। ये ऑयल लैंप था लाइन के लिए इस्तेमाल करते थे, एम पीसीज है माइक का अब रखे ना, ये कपड़ा पेशाबों के लिए इस्तेमाल होते थे, मोल्ड है वीट वगैरह पड़े हुए। ये तीन शेयर है बिग मॉन सबसे कब ये तीन से ज़्यादा चीज़ें ये वही है जो Thank you.